गलवान घाटी में एक साल पहले शहीद हुए अंकुश ठाकुर के शहीदी दिवस के अवसर पर उनके पैतृक गांव में बाबा बालकनाथ निस्वार्थ सोसाइटी के सदस्यों ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, तो वहीं शहीद अंकुश के घर में शहीद की याद में म्यूजियम की स्थापना की गई ताकि अंकुश की यादों को इसमें समेटा जा सके। रक्तदान शिविर के दौरान युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करीब 100 यूनिट रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के दौरान शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार, माता पुष्पा देवी और छोटा भाई आदित्य भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर लगाने वाले बाबा बालकनाथ निस्वार्थ संस्था के अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि वे बढ़ चढ़कर देश की सेवा में आगे आएं। साथ ही उन्होंने युवाओं से रक्तदान करने की भी अपील की। मेरा युवा पीढ़ी से अब यही अनुरोध रहेगा कि वो देश प्रेम की तरफ अधिक से अधिक ध्यान दें और नशे को छोड़ के देश प्रेम को अपने वहीं शहीद अंकुश के पिता अनिल कुमार ने बताया कि अंकुश की याद में घर में म्यूजियम बनाया गया है जिसमें अंकुश की यादों को सहेजा गया है। उन्होंने बताया कि आज एक साल पूरा हुआ है अंकुश की शहादत को, लेकिन आज भी अंकुश उनके दिल में समाया हुआ है। सर, अंकुश को आज एक साल पूरा हो गया, आज का दिन ये वो स्थिति पर था उसका, अंकुश का उसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ म्यूजियम बनाया हुआ है ताकि उसकी जो भी यादें हैं वो किसी हाल में रहें और जो इसमें जो भी यहाँ पे आए विजिट करने के लिए आए वो यहाँ रह कर देखें और उसको याद किया जाए, इसी मकसद से बनाया उसको।